फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है हमारे उजाला बुटीक चैनल में। तो आज की वीडियो कम्प्लीटली फुल देखना, क्योंकि आज जो जानकारी देने वाला हूं वो है हमारी मशीन नीचे की सिलाई ख़राब क्यों देती है। अब कारण इसके 2 से 3 कारण हैं। सभी कारण को आप स्टेप बाय स्टेप देखें और सही से बताएंगे, तभी आपको समझ में आएगी। क्योंकि अगर आपने नेक भी अगर वीडियो थोड़ा भी मिस कर दिया, तो एक भी स्टेप मिस हो गया, तो फिर आप मशीन नहीं ठीक कर पाएंगे। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो भी माताएं बहनें भाई वीडियो देख रही हैं, वीडियो को लास्ट तक वॉच करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि अच्छे अच्छे कंटेंट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और घंटे का निशान ज़रूर दबाएं, ध्यान रखें घंटे का निशान ज़रूर दबाएं। तो चलिए आज हम बताते हैं नीचे की सिलाई ख़राब आने के मेन मेन कारण क्या हैं और इन्हें कैसे ठीक करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे पास सिंपल सिलाई मशीन, जो कि घरेलू मशीन भी हमें से बोल सकते हैं, क्योंकि आजकल ज़्यादातर यही मशीन घर पर यूज की जाती है। जो भी नई या पुराने बिगनर्स हैं, माताएं बहनें भाई जो भी सिलाई करते हैं, इसी मशीन से करते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि नीचे की सिलाई ख़राब आए तो क्या करें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरीके से हमें सबसे पहले इस तरीके से चलाकर देखते हैं कि प्रॉब्लम कैसी है और कहाँ से आ रही है। सबसे पहले प्रॉब्लम देखें, उसके बाद उसका सोल्यूशन आपको बताएंगे। देख सकते हैं पहली तो धागा ही ये काट रही है, ऊपर से सिलाई भी ख़राब दे रही है। दोबारा धागा डाल दें, गाइस अभी हमारे पास पायदान नहीं है, नहीं तो पायदान से आपको चला के दिखाते तो अच्छे से मशीन अच्छे से चलती। देख सकते हैं ये कंडीशन है, कुछ और भी आगे चला के आपको दिखाते हैं, कोई नई प्रॉब्लम और ना दे। थोड़ा चाल स्पीड बढ़ा लें इसकी, ध्यान रखें यहाँ से स्पीड बढ़ा के फिर आपको चला के दिखाते हैं कि कंडीशन क्या है इसकी। देख सकते हैं चाल भी अच्छी चल रही है, पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है ये, देख सकते हैं ये है प्रॉब्लम इसकी और यही समस्या दे रही है। तो आप लोगों ने समस्या समझ ली है कि क्या प्रॉब्लम है इसमें, अब इसे सही कैसे करें। तो हम दो तरीके से देखेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी बॉबिन केस चेक करेंगे कि बॉबिन केस का धागा ढीला या टाइट ज़्यादा तो नहीं है। अगर बॉबिन केस का धागा ज़्यादा टाइट होगा तो भी हमारी मशीन नीचे की सिलाई ख़राब देगी, और अगर ज़्यादा ढीला होगा तो फिर ऊपर की सिलाई ख़राब देगी। तो ध्यान रखें बॉबिन केस का धागा बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, जैसे कि ये है। अब हमें क्या करना है, इसे तुमने देख लिया कि हाँ ये हमारा सही है, अगर सही नहीं है तो फिर यहाँ से आप थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं और सिलाई को मेंटेन, धागे के खिंचाव को मेंटेन कर सकते हैं। इस तरीके से तो आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर यहाँ से हमारी समस्या नहीं सॉल्व हो रही, फिर हम क्या करेंगे, चलिए इसे हम लगा देते हैं। अब हम देखेंगे ऊपर की सिलाई, ऊपर का धागा चेक करके देखेंगे। तो ऊपर का धागा हमारा कहाँ से क्रॉस होते हुए निकलता है, यहाँ से होते हुए और इस झांझ में होते हुए और तब निकलता है। तो ध्यान रखें ये धागा अगर ढीला होगा तो भी हमारे नीचे की सिलाई ख़राब ही आएगी। इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे चेक कर लेना है, इसके अंदर कोई धागा वगैरह अगर फंस गया हो तो उसे निकाल दें। तो आप कैसे निकालेंगे, चाहे तो आप इस तरीके से ऐसे करके फूंक मार के निकाल सकते हैं। अगर इससे काम नहीं बनता है तो फिर आपको क्या करना है, इस तरीके से ये डिबरी खोल दें इसकी, इस तरीके से रख लें और इसे भी रख लें और इसे इस तरीके से निकाल लें और इसे भी निकाल लें। अगर धागा फंसा होगा तो उसे इस तरीके से ब्रश से इस तरीके से अच्छे से निकाल के और इसकी क्लीनिंग कर लें। ध्यान रखें आपके पास अगर ऑयल है, पेट्रोल वगैरह, तो आप पेट्रोल से इस तरीके से, ये हमारे पास इसमें पेट्रोल पड़ा हुआ है तो इसमें पेट्रोल से इस तरीके से लीटर पेट्रोल लेके और इस तरीके से आपको इसकी क्लीनिंग कर लेनी है। समझ लीजिए आपकी समस्या 100% ठीक हो जाएगी, बस यहीं से प्रॉब्लम होती है। अगर यहाँ से प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हमें इसकी शटल चेंज करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से अच्छे से इसकी क्लीनिंग कर लें। इस तरीके से इसकी क्लीनिंग कर लें
क्लीनिंग करने के बाद अब हमें क्या करना है, अब दोबारा इन डिबरियों को ऐसे लगा दें। सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों को इस तरीके से ऐसे करके पकड़ के रखना है, ऐसे इसमें लगा लें। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें लगानी ये वाली डिब्बी, इसे इस तरीके से लगा लें। बस इतना सीख गए आप। तो अब आपको क्या करना है, ये जाली ले लेनी है, इसे थोड़ा स्प्रिंग को खींच के और बड़ा कर लें ताकि अच्छे से हमारी टाइट बनी रहे। ज़्यादा टाइट नहीं करनी, ध्यान रखें अगर ज़्यादा टाइट कर दिया तो फिर हमारी मशीन धागा तोड़ने लगेगी और फिर अच्छी बिल्कुल ही नहीं चलेगी। तो जितनी आपने बॉबिन केस नीचे किया है टाइट, जितना मतलब बॉबिन केस का धागा उतना ही हमें ऊपर कर लेना है, इस तरीके से ऊपर कर लेना है। अब आपको चला के देखना है, अगर फिर भी प्रॉब्लम अगर दे रही है तो फिर आपको नेक्स्ट उपाय बताएंगे। इस तरीके से धागा डाल लें, इस तरीके से धागा डालने के बाद अब आपको क्या करना है, इस तरीके से ये यहाँ पे काम तो हो गया, अब धागा नीचे से ऊपर आ गया, देख सकते हैं धागा ऊपर से नीचे भी आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिलाई चला के दिखाते हैं। पहले कंडीशन हमारी ये थी, कुछ इस तरीके की थी, देख सकते हैं, लेकिन अब कंडीशन देख रहे हैं क्या इसमें सुधार आया या नहीं। अगर नहीं आया तो फिर आपको नेक्स्ट बताएंगे सही करने का, फिर तरीका चेंज करके बताएंगे आपको। इस तरीके से सिलाई कर लें, उम्मीद है कि अब हमें आप कमेंट करके बताएं कि आपने कितने टाइम पर ही जान लिया था कि हमारी नीचे की सिलाई सही हो गई है। तो कमेंट करें और मिनट सेकंड जो चल रहे हैं उनके हिसाब से कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें। तो चलिए हम देखते हैं, तो देख सकते हैं गाइस सिलाई हमारी अच्छी हो गई है, एकदम ऊपर नीचे बिल्कुल टनाटन चलने लगी है। तो गाइस अगर आपकी कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें, तभी हम आपको उस पर वीडियो, अच्छा सा वीडियो बनाकर और आपके समझ में भी आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी माताएं बहनें भाई वीडियो देख रही हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।